महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए आईटीएमएस कार्यालय से लोगों को सीसीटीवी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिसके संबंध में आईटीएमएस प्रभारी मोहम्मद नौशाद ने बताया कि आईटीएमएस के माध्यम से सड़क पर वाहन खड़ा करने वाले लोगों को सीसीटीवी के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है तथा हमेशा बाएं लेन को खाली रखा जा रहा है, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति बाएं से कहीं जाना चाहे तो उसको जाम का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति बाएं लेन में अपने वाहन को पार करता है तो उसको चौराहे पर लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से वाहन हटाने के लिए कहा जाता है। अगर तब भी नहीं मानता तो सीसीटीवी के माध्यम से ई चालान किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का सामान कहीं छूट जाता है तो उस चौराहे के कैमरे के माध्यम से उनके सामान को खोजकर सुपुर्द किया जाता है और चेन स्नेचरों पर भी निगरानी की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ओवर स्पीड में वाहन चलाता है तो उसके वाहन का ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा, इसलिए जब भी घर से निकलते हैं तो हेलमेट लगाकर चलें तथा चौराहे पर रेड सिग्नल होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही वाहन खड़ा करें, नहीं तो वाहन का चालान कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईटीएमएस प्रभारी मोहम्मद नौशाद ने कहा, जिनको भी बाएं से बाएं जाना है कृपया बाएं लेन पकड़, ये जो भी ऑटो चौराहे के करीब रोक के सवारी भर रहे हैं तत्काल हटा लें, अन्यथा आपके वाहन का ऑटोमेटिक ई चालान कर दिया जाएगा। चित कर लें, नहीं तो आपके वाहन का ऑटोमेटिक ई चालान यहाँ से किया जा रहा है। ये मोबाइल से बात कर रहे हैं, बाइक पे बैठ के लेफ्ट हैंड को ब्लॉक किए हुए तत्काल अपने वाहन को एक सही दिशा में कर लें, अन्यथा आपके वाहन का ऑटोमेटिक ई चालान किया जा रहा है। जिनको भी बाएं से बाएं जाना है कृपया बाएं लेन पकड़ के बाएं चले जाएं। आपसे विनम्र अनुरोध है, लेन को बाधित कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि तत्काल हटा लें ऑटो को, तत्काल हटाना सुनिश्चित कीजिए, नहीं तो आपके वाहन का चालान किया जा रहा है। जो भी वाहन जेब्रा लाइन से आगे खड़े हैं तत्काल वो पीछे कर ले, अन्यथा आपके वाहन का चालान किया जा रहा है। तत्काल पीछे कर ले, अन्यथा आपके वाहन का चालान किया जा रहा है। तो वो येलो बॉक्स देख रहे हैं सर, ऑरेंज बॉक्स, वहाँ पर जाएंगे आप, क्लिक करेंगे आप, छू भी सहायता हमसे मांगेंगे, अगर पुलिस सहायता इनकेस अगर किसी को भी असुविधा होती है तो यहाँ पे इमरजेंसी बटन को दबा के कॉल करेगा, हमारे कंट्रोल रूम पे आएगा, कंट्रोल रूम पे आने पे जो भी वो सहायता मांगेंगे हम उनको वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और ये जो भी लेन है इसको खाली कराने के लिए अगर कोई दिक्कत हो रही है किसी को भी एनीवे, तो यहाँ से हम उसकी सहायता उसे कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ये जितने भी वाहन जेब्रा क्रॉसिंग से आगे हैं तत्काल अपने वाहन को पीछे करें। कृपया ध्यान दें, ये जितने भी वाहन जेब्रा क्रॉसिंग से आगे हैं तत्काल अपने वाहन को पीछे करें, अन्यथा आपका कंट्रोल रूम के द्वारा ई चालान किया जाएगा। कृपया ध्यान दें, चौराहे पे खड़े सभी वाहन चालक कृपया ध्यान दें, आप सभी से अनुरोध है कि हेलमेट व सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें, यातायात को सुगम व सुरक्षित बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग करें, हम आपके आभारी हैं। यहाँ सब किया जाता है, अभी सर एक है यहाँ से वार्निंग की जा रही, मैक्सिमम बहुत रेयर केस में हम चालान कर रहे हैं, आवश्यक रूप से अपने वाहन को ना खड़ा करें। ये मोदीपुर से पैडलागंज वाली रोड पे जो भी बाएं खड़े हैं या बाएं लेन को बाधित किए हैं तत्काल खाली कर दें, बाएं जाने वालों के लिए रास्ता दें। आपसे विनम्र अनुरोध है, जिनको भी बाएं से बाएं जाना है उन्हें बाएं जाने के लिए रास्ता दें। पीला कलर का शर्ट पहने हुए स्कूटी पे बैठे हैं, बाएं लेन को बाधित कर रहे हैं, तत्काल हटाएं अपने वाहन को वहां से, अन्यथा आपके वाहन का चालान किया जा रहा है। बाएं लेन को खाली कीजिए, पीला शर्ट पहने हुए हैं, रेड कलर की स्कूटी है,
सर, तो जिनको बाहर जाना हो तो मुझे बहुत अच्छी सबसे अच्छा काम इन्होंने किया सर। सर मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है सर। आईटीएमएस आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है सर कि हम लोगों ने कैसे ट्रैफिक सिस्टम को मैनेजमेंट किया सर। आज के दौर में जो मोहद्दीपुर एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क था सर, आज हम लोगों ने उसको कंप्लीट करके उसकी सॉल्यूशन को सॉल्व कर दिया सर। आपके सामने दिख रहा है सर, कहीं भी कंजेशन की प्रॉब्लम नहीं है सर। हर तरह से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जा रही है सर। किस तरह मदद भी की जाती है सर? अगर किसी का सामान, अभी एक हफ्ते पहले की बात है सर, एक शख्स आए, उन्होंने बताया कि मेरा सामान छोड़ गया है किसी टेम्पो में, मेरा सामान छोड़ गया है। फिर हम लोगों ने ये चैलेंजिंग टास्क मान के उस सामान के खोजने की तलाश की, उसे टेम्पो वाले को ट्रैक करते हुए हम लोगों ने उस सामान को बरामद किया और जो शख्स था उनको वापस किया गया सर। किस तरह से जागरूक करते हैं आप लोग यहाँ देखते हैं, बैठ के बोलते हैं चौराहों पे? सर हम लोग पहले बताते हैं कि सर आपके द्वारा ये गलत तरीके से अपने वाहन को खड़ा किया जा रहा है या गलत तरीके से आप हैं सर, कृपया आप अपने वाहन को सही दिशा में ले चलें, या जो भी है अगर रेड सिग्नल है तो रेड सिग्नल के दौरान आप अपने वाहन को हमेशा सफ़ेद पट्टी के दाहिने ही खड़ा करें, जिससे कि बाएं जाने वाले के लिए बाएं लेन खाली रहे सर और किसी भी रूप में लेन बाधित ना हो सर। हमारी जो ये सिस्टम है उसमें कोशिश किया जा रहा है कि चैन स्नेचिंग या मोबाइल खींचने वाले जितने भी शख्स हैं उनको ट्रैक करते हैं, उनको पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है सर। अगर कोई नहीं सुनता तो? सर अगर कोई भी नहीं सुनता तो वहाँ के हर एक कर्मचारी जो भी चौराहे पे हमारी ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारीगण या अधिकारीगण, उसे हम लोग डायरेक्ट संपर्क करते हैं और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हैं। और सर इसकी ये है कि अगर आप ओवर स्पीड चल रहे हैं सर तो इस पे भी हमारा काम हो रहा है सर। अगर आप ओवर स्पीड जाएंगे तो आपके वाहन का ऑटोमेटिक चलान कर दिया जाएगा सर। तो आज के परिवेश में आईटीएमएस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कि एक बदलाव आ रहा है सर।